ऑन द वे टू द पूल। ओए पर्सनल चैट मत पढ़, वीडियो बन रही है। कोई है क्या? सो गाइस फाइनली पूल में पहुंच चुके हैं हम। यस मजे आ रहे, मजे। कितनी देर पानी में रहेगा? 3, 2, 1। तो इसके लिए मैं अपना फोन दाव पे लगा रहा हूँ। देख लो इस कुत्ते की शक्ल देख लो, ठीक है? पैसे दे दियो। ओके सर। कैमरा मैन यहाँ से लाइट नहीं आ रही, इधर ही रहो। चल इधर आ, फिर अपोजिट साइड। सुबह जब भी हम निकले थोड़ा सा एक्सप्लोर करने होटल को अच्छे से, जिम्स और स्पा देखने चल रहे हम। लेट्स गो, लेट्स गो बॉयज। वो बन गए स्पा, यही था वैसे मे बी। यस सो दिस वाज द स्पा बट वो बन गए। जिम ठीक है, पूल पूल टेबल पर ये भी बंद हो चुका है क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं 7, ऑब्वियसली लेट हो गए हैं। क्या है बॉडी लाइन? सो दिस इज द जिम। बहुत गर्मी है यहाँ, तो कुछ ऐसा जिम है जो भी बंद हो चुका है। स्टिल हम अंदर आ चुके हैं। सब कुछ है यार, सब कुछ है लगभग, बट आज कोई वर्कआउट नहीं होने वाला। गाली भी दे रहा है। यहाँ से क्यों नहीं खा रहे हो? महंगा बहुत है मानने की थोड़ी। भाई हम नहीं खा रहे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा महंगा। मैं आपको मेन्यू दिखाऊंगा वैसे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मतलब अंधा महंगा जिसे कहते हैं ना। हमने ऑमलेट पड़ा है वो 325 का है, वो भी 2 अंडे का हमने, जो कि हम 325 2 ट्रे खा सकते हैं समझ के। तो इतना फर्क है, तो हम नहीं, बाहर थोड़ा सा ढूंढने जा रहे हैं कुछ मिल जाए पेट भरने के लिए आज रात का। तो चलो चलते हैं। और वैसे गाड़ी तो है ही बंदे पे, अमीर चलो चलते हैं। सो गाइस रिसेप्शन कुछ ऐसा सा है। लेट्स गो। एक्सप्लोर गड्डी कहाँ है? यही गड्डी होगी। है टोकर के दिन ले गया पार्किंग से। भाई गाली क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? समझ नहीं आती तेरे को एक बारी में। बीप की साउंड लगा दो, बीप। ये तो दिखा भाई, नाम तो दिखा होटल का। होटल नेम इज गोल्डन ट्यूलिप। भाई लोकेशन बहुत अच्छी है होटल की, जो भी को अरे तो लग रहा था तेरे को बुला रहा था, लग रहा था। तो भाई यहाँ हम ये लोग खा रहे हैं, फिर देखते हैं होटल में जाके कुछ ना कुछ खाएंगे, थोड़ी सी भूख वो कर लेते हैं अंदर से। So guys, अब एंड अप विद दिस, बर्गर वगैरह खा लिया हमने। और ये तो अब जा रहे हैं हम वापस होटल में, देखते हैं अगर भूख लगे तो कुछ खाएंगे वरना इसी में गुजार करके सो जाएंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड आज है नई सुबह एंड अभी बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 7, ठीक है। तो अभी मैं तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बिल्कुल मस्त, ठीक है। और बाहर का व्यू चेक करो एक बार, बाहर का व्यू कितना मस्त आ रहा है यहाँ से। आज ये हम शाम को आए थे तो इतना अच्छा नहीं देख, मतलब इतना अच्छा नहीं, अच्छा तो शाम को भी था बट अभी कुछ नेक्स्ट लेवल ही आ रहा है। मतलब सामने से सनराइज़ भी होने वाला है, तो अगर हम तब तक रुके तो आई विल शो यू, वरना किस्मत में नहीं होगा हमारे। तो एक बार पीछे का व्यू देखो, दिस इज द व्यू, देखो एक बार चेक करो ये व्यू। पूल साइड व्यू विद सन राइजिंग, और क्या चाहिए भाई। तो एक बार देखते हैं यार ब्रेकफास्ट में क्या करने वाले हैं, उसके बाद मिलते हैं, मतलब उसके बाद मिलता हूँ मैं। सो गाइस फाइनली सनराइज भी हो चुका है। वैसे व्यू सही था हमारे उसका है, पूल साइड के साथ सनराइज सनसेट भी। सनसेट यहाँ थोड़ी ना होगा, अपोजिट साइड होगा ना। मैंने पे करा है तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। क्यों कर रहा भाई। तो हम चेकआउट करने के लिए निकल रहे हैं। कितने बज रहे हैं अभी? तो 8 बजे चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है कॉलेज सीधा। फाइनली होटल से चेकआउट हो गया। अब जो मेन काम था हमारा यहाँ आने का वो करने जा रहे हैं, बस ये भी सही से हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी कॉलेज के लिए निकल गए हैं और यहाँ से अप्रॉक्स हमें दिखा रहा है 24 किलोमीटर जो कि है 1 घंटा दूर। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी हम कितने बजे निकले? 7 बजे, 7:45 पर हम निकले हैं, तो 1 घंटा मतलब 8:45 पर पहुँच जाना चाहिए। बट कितनी देर में पहुँचते हैं। फाइनली 1 किलोमीटर जस्ट पहुँचने वाले हैं, बस काम हो जाए। गाइस पहुँच तो गया, हम बहुत जल्दी पहुँच गए। अब थोड़ा सा धोखा हो गया, कॉलेज थोड़ा लेट होने वाला है। तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, इससे बढ़िया हम होटल में बैठ जाते हैं। अफसोस कर रहा है यार, बट अब अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइज़ यहाँ पे 2 घंटे वेट करना ही है। वैसे भी हमने कुछ खाया तो है नहीं सुबह, तो पराठे मंगा लिए आलू प्याज के और थोड़ा सा अचार, पेट भरेंगे इसी से। सो गाइज़ फाइनली सारे काम हो चुके हैं, अब हम घर को निकल रहे हैं सीधा। शक्ल देख सकते हो कितनी गंदी हो गई है, बहुत धूप हो रही थी भाई यहाँ पर बाहर, इसकी भी देख लो, ठीक है, बहुत गंदी हो रखी है। तो अब हम सीधा घर निकलेंगे, घर की तरफ। ब्लॉग्स खत्म आज के हमारे, क्या खत्म? हाँ ब्लॉग्स अभी नहीं खत्म। हाँ तो चलो देखते हैं कहीं अगर रुकेंगे खाने पीने के लिए, वरना सीधा कर लगेगी अपन। सो गाइस फाइनली हम रुक गए कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत, और ये हम करनाल रुके हैं ना भाई, करनाल रुके हम, करनाल नीलकंठ। तो हम करनाल नीलकंठ रुके हैं। अब यहाँ थोड़ा बहुत खाएंगे, जो भी खाऊँगा दिखाऊँगा, अभी दिखाते हैं। तो एक बार फ्रेश होने जा रहे हैं हम, के बाद देखते हैं क्या खाने हैं क्या नहीं खाना। सो हम लोग रुके हैं पिज़्ज़ा हट पे और एक पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कराया क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लग रही अभी। अभी सीधा इसके बाद ये गाड़ी लगाएगा घर पे। चाय यहाँ नहीं मिलती क्या पिज़्ज़ा हट पे? तो बस फिर तो यहीं से पी के जाएंगे ना, उसके बाद रुकना रुकने क्या? तो वो अभी एक्स्ट्रा मांगेगा तो देगा वो, बहुत नहीं है ना, फ्री में दे देगा। ऐसे खत्म करते हैं भाई, ज़्यादा क्यों डाल रहा है इतना, थोड़ा थोड़ा डाल। ये फिर रुक गया भाई खाने, मैंने बोला था ना लास्ट स्टॉप है, बट इसकी भूख ही नहीं मिटती भाई। भूख ही नहीं मिटती इसकी। तो हम दोबारा रुके अब केसरी पे, केसरी स्टार पे। ये कहाँ है, ये भी करना अलग है। ये प्रॉपर्ली लास्ट होगा ये, मुझे अलग लगता है। सो गाइस फाइनली दिल्ली पहुँच गए हैं, 6 बज गए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, सही टाइम पे पहुँचा दिया भाई। क्या करें सर, ऑर्डर था आपका? हैं ऐसा भी कुछ था क्या? ऑर्डर देते क्या हम आप? हैं तभी आप चाय बना रहे थे है ना? और क्या, तो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप सीधा घर पहुंचना है, थोड़ी दूर पे ही है, मतलब कितनी देर, अब आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम यहाँ से। बाकी जाम लगा हुआ है यहाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि दिल्ली एंटर हो चुके हैं। जाम चेक कर लो, चलता हुआ जाम है, बस पहुँच जाएंगे। तो एक बार कर